गुंजन कहते थे कि मैम मैं आपका हनुमान हूँ, पूरा बिहार आपका साथ छोड़ देगा लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा। आ जाइए आप भी, इधर आ जाइए। विनीता मैम को जब सिद्धार्थ जी बोले थे कि हमारे 2017 से है विनीता मैम, और हम लोग उनका प्राइमरी में नहीं हो पाया है, वो प्राइमरी ही निकाली हुई है, हम प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते। मैं पहला जिला अध्यक्ष हूँ जो सिद्धार्थ जी को कहा था कि विनीता जी को बनाइए, उस समय विनीता मैम से बात भी नहीं हो रहा था। मैं करिश्मा सिंह, अब देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ अभी विनीता जी जुड़ी हुई हैं जो यहाँ धरना स्थल का सब कुछ देख रेख कर रही थी, और यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे हम बात करते हैं कि इनको आज कितनी खुशी मिली है। अब बताइए विनीता जी, कितनी खुशी मिली आज? बिल्कुल मैम, शिक्षा विभाग के इस फैसला का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि 20 दिन से हम लोग बैठे थे, आज हम लोग का मेहनत सफल हुआ। और जिस तरह से शिक्षा विभाग पहल की है, हम लोग की बात को सुनी है, समझी है, और ये लेटर इशू की है, तो ये लेटर के हिसाब से काम भी कर दे शिक्षा विभाग। हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है, उनसे हम लोग उम्मीद लगा के रखे हैं। दीपक सर जो नए वाले आए हैं, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और इतना अच्छा हमारे लिए पहल किए हैं, उनसे हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि जिस तरह का डेट वो लिखे हैं वो डेट के हिसाब से वो रिक्ति मंगवा लें, वेब पोर्टल बनवा लें, और जुलाई अंतिम सप्ताह तक हम लोग का फॉर्म भरवाना शुरू कर दे जुलाई अंतिम सप्ताह से। और अगर ढूल मूल रवैया शिक्षा विभाग की रही तो हम लोग फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारी मजबूरी है, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और मानसून सत्र में, जुलाई में जो मानसून सत्र होगा उसमें, विधानसभा के सत्र में हम लोग शिक्षा मंत्री को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। हम लोग नहीं, खुद नहीं चाहते हैं ऐसा करना, इसलिए शिक्षा मंत्री और सभी प्रधान सचिव अगर सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो हमारा जल्द से जल्द जुलाई लास्ट से हमारा फॉर्म भरवाना शुरू करें और 2022 में हम लोग को शिक्षक बनाएं। आप बताइए, इतनी दूर से आती थी, आज आपका जो भी यहाँ आने का सारा सफल हुआ? जी मैम, इतने दूर से आए लेकिन जो मतलब हम लोग इतना संघर्ष के वो सफल हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और आगे भी अगर आंदोलन रहता तो हम उसमें भी शामिल रहते और भी लोग शामिल रहते। हमारा कर्तव्य था कि अपना जब तक नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता तब तक हम लोग ये धरना स्थल से नहीं छोड़ते, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मैम आपको धन्यवाद कि आप हमारे से जुड़े रहे, हमारी आवाज़ आप पहुँचाते रहें, सबसे बड़ा धन्यवाद मैम आपको। और बताइए, इसके बाद अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि अब सचिवालय अभी जाएंगी? बिल्कुल, सचिवालय का दौरा तो मैम, सचिवालय तो हम लोग का घर बन गया है। मतलब एक कदम घर और फूलों के साथ वहाँ जाने वाले। बिल्कुल, बुके लेके जाएंगे और दीपक सर को हम लोग धन्यवाद कहेंगे अपने तरह से, क्योंकि जब से वो आए तब से हम लोग को समय ही नहीं मिला। उस समय से तो लड़ाई झगड़ा ताना तानी चल रहा था, लेकिन अब समय मिला है, दीपक सर के पास जाएंगे, उनको हम लोग धन्यवाद कहेंगे, और दीपक सर जल्द से जल्द हमारा सुनवाई करें और वेब पोर्टल बनवा कर और रिक्ति मंगवा के जुलाई अंतिम सप्ताह से हमारा फॉर्म भरवाना शुरू कर दें और 2022 में हम लोग को शिक्षक बना दें। इतने दिनों से जो आप परेशान थी, आज पूरा एकदम सज धज के पूरा खुश होके आई है नहीं? जी जी, आज बहुत खुश है, आज बहुत खुश है, इसी के लिए हम सुबह सुबह आज 3 बजे ही अपने घर से चले हैं। अच्छा, 3 बजे? और यहाँ आकर के आज बहुत खुशी मिल रहा है। 3 बजे तो आप हमेशा डेली यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन आज खुशी के साथ आई हैं? जी, आज बहुत खुश। पहले उम्मीद के साथ आती थी, आज खुशी के साथ आई? आज बहुत ज़्यादा खुश है, पहले उम्मीद से आते थे कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज हम लोग को बहुत ही राहत मिला है। और आगे जब तक हम लोग को जॉब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग अपना जो कोशिश है वो करते ही रहेंगे। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल जारी किया गया है, जो अधिसूचना जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, अगर जुलाई लास्ट वीक में हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा 128 सातवां चरण के लिए, तो हम लोग आंदोलन, इससे ज़्यादा आंदोलन करेंगे, मतलब महा आंदोलन करेंगे। हम लोग चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करने की आवश्यकता हम लोग को दूसरा बार ना पड़े, बस यही कहना चाहते हैं। विनीता जी तो आज बहुत खुश नजर आ रही है, आज सिर्फ इनके चेहरे पे हंसी नजर आ रही है। अभ्यर्थी से इतना मैम सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, रात से इतना कॉल आया है कि हम कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, जिस दिन पहली बार आए थे और इधर जैसे आंदोलन बढ़ते गया, कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा था, मेरा रात का नींद उड़ गया था कि क्या होने वाला है, अभ्यर्थी को हम क्या जवाब देंगे कि 20 दिन का क्या निष्कर्ष है। लेकिन रात से अभ्यर्थी बहुत खुश हैं और हमको सब लोग ब्लेसिंग। बात और कहना चाहेंगे, इतने जो अभ्यर्थी, इन लोगों को आपने बिल्कुल जोड़ के रखा है, एकजुट बना के रखा।
बिल्कुल, ये लोग खुद जुड़ रहे हैं मेरे से, उनको अच्छा लग रहा है, मेरा नेतृत्व अच्छा लग रहा है और उनको लग रहा है कि नहीं काम होगा, काम हुआ, काम आगे भी होगा। तो ये लोग खुद हमसे जुड़े हैं और जुड़ के और ज़्यादा खुश हो गए हैं, पहले तो खुश थे ही और रात से इतना ज़्यादा ये लोग खुश हैं, इनका खुशी देख कर हम बहुत खुश हैं। और प्रधान सचिव किसी भी सफलता के पीछे सबसे बड़ा होता है लीडरशिप, अगर लीडर सही। आपकी जो विनीता मैम है बहुत अच्छे से निभाई है। सिद्धार्थ सर, विनीता मैम इतना अच्छा लीडर, कितना भी धन्यवाद बोले फिर भी कम है, एक लेडीज होते हुए भी हम लोग के लिए बहुत की है विनीता मैम। यहाँ से हम लोग घर पे भी जा करके बोले कि एक मैम है विनीता मैम, वो हम लोग की बहुत सपोर्ट करती है। मैम आज आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत इन लोगों के बातों से बहुत लग रहा है कि जंग लड़ लिए हम, जीत गए, जीत गए। तीसरा आप बताइए, आज तो संघर्ष पूरा हो गया, देख रहे हैं आंख में आंसू आ गया है खुशी के कारण। हाँ, दिख रहा है, दिख जी रहा है, आंसू को दिखाइए। पूरा एकदम डबडबा गया हुआ है। और कहने का मतलब, और कहने का मतलब, बाल मुड़वाना सफल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सफल हो गया और संघर्ष किए हैं। और विनीता जी अकेले नहीं थे, हम लोग उनके साथ थे। विनीता का कितना हाथ है कोई सोच नहीं सकता है, हजारों हाथ है विनीता के पीछे। इसलिए विनीता आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, सिद्धार्थ कश्यप के पीछे हजारों हाथ है, सिद्धार्थ कश्यप प्रदेश अध्यक्ष है और इनका धन्यवाद जो हम लोग को सही तरीके से लेके चले साथ। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनके आंखों में खुशी दिख रहा है आंसू के साथ। देखिए आप विनीता मैम को देख सकती है, आप विनीता मैम को देख सकते हैं, इनके आंखों में खुशी की आंसू है। गुंजन कहते थे कि मैम मैं आपका हनुमान हूँ, पूरा बिहार आपका साथ छोड़ देगा लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। आ जाइए आप भी, इधर आ जाइए। विनीता मैम को जब सिद्धार्थ जी बोले थे कि हमारे 2017 से है विनीता मैम और हम लोग के उनका प्राइमरी में नहीं हो पाया है, वो प्राइमरी ही निकाली हुई है, हम प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते। मैं पहला जिला अध्यक्ष हूँ जो सिद्धार्थ जी को कहा था कि विनीता जी को बनाइए, उस समय विनीता मैम से बात भी नहीं हो रहा था हमारा, लेकिन सिद्धार्थ जी के कहने पर बनाए थे और हमारा डिसीजन एकदम सही था। आज हमें प्राउड महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है कि हमने एक सही कदम उठाया और एक सही आदमी का चुनाव किया और कहीं ना कहीं हम लोग का 20 दिन का आंदोलन जो सफल हुआ इसके पीछे हमारे टीम का त्याग भी बहुत बड़ा है, सब अपना अपना त्याग किया है। हमारे निखिल जी जो हैं जिनका अकाउंट जारी हुआ वो शादी के दो दिन बाद, मैम शादी के निखिल जी शादी के दो दिन बाद, चार तारीख को उनका शादी हुआ, चार तारीख का यहाँ टेंट पंडाल करने आ गए वो और लगातार यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो पूरा संघर्ष किए हैं उनको कभी नहीं भूला जा सकता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर वो खुशी के आंसू हैं और विनीता जी का सभी अभ्यर्थियों के तरफ से बहुत ये लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि इतने सारे जो अभ्यर्थी थे उन लोगों को ये एकजुट करके रखी है। ऐसे ही अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं करिश्मा सिंह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए।